समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की ओर से चक्कर के मिलक पार्टी कार्यालय पर नवनियुक्त प्रदेश सचिव गुरमीत सिंह बेदी का स्वागत समारोह किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजीव सिंगल ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक देहात हाजी इकराम कुरैशी, गन्ना संघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, व्यापार सभा प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नीरज मित्तल, पूर्व जिला महासचिव संजीव यादव, मुकेश यादव, महानगर अध्यक्ष समीर शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महानगर अध्यक्ष और महानगर मीडिया प्रभारी राम अवतार रस्तोगी और पंडित सचिन शर्मा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर स्वागत समारोह में मुरादाबाद के मुख्य व्यवसायी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सिख और पंजाबी समाज के लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर गुरमीत सिंह बेदी को सभी ने शुभकामनाएं दी और भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में बोलते हुए गुरमीत सिंह बेदी ने कहा, गुरमीत सिंह बेदी ने मुरादाबाद के व्यापारियों से समाजवादी पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। मैं अपने भाइयों का और सबका धन्यवाद करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष आनंद अग्रवाल जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश पे मुझे प्रदेश सचिव बनाया है और मुझे जिम्मेदारी देते हुए व्यापारियों का संगठन बढ़ाने के लिए, बाज़ार में व्यापारियों की परेशानियां जो हैं उनको दूर करने के लिए मुझे प्रदेश सचिव का जो पद मिला है उस पर भरपूर काम करूंगा। जिसकी प्रदेश में अपने मुरादाबाद ज़िले में व्यापारियों की जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं जीएसटी लागू की वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, उनकी समस्याओं को आगे अखिलेश जी पर रखूँगा और आगे काम करता रहूँगा। इसके लिए ये समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सब समाज को एक लेकर चल रही है और इस पे हमें भरोसा करना है, समाजवादी पार्टी से जुड़ना है, उन्हें जोड़ना और उनको व्यापारियों को जोड़ना है जो भटके हुए हैं और उनको साथ लेकर चलना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है और समाजवादी पार्टी को हमने आगे बढ़ाना है। महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी ने बधाई देते हुए बताया कि समाजवादी पार्टी ही व्यापारियों की सच्ची हितेशी पार्टी है और व्यापारी अब समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा। सत्ता में रहते हुए व्यापारियों के हित में जितने कार्य मुलायम सिंह यादव ने किए हैं उतना किसी ने भी नहीं किए। कि बेदी जी हमेशा कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं, मेहनती कार्यकर्ता हैं और आगे भी ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिखाया है कि वो मेहनती कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते हैं और बेदी जी को प्रदेश सचिव व्यापार सभा का बना के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक और कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम किया। गुरमीत सिंह बेदी ने व्यापारियों के साथ चट्टान की तरह हर परिस्थिति में खड़े रहने की बात कही। इस अवसर पर स्वागत कार्यक्रम में हाशिम आफताब बॉबी, जहान उल्ला खां, सचिन शर्मा, श्रीवासन, राशिद वारसी, तरुण मदान, ललित कपूर, तालिब अंसारी, मुकेश यादव, जयवीर यादव, सोमवीर सिंह यादव, सतपाल यादव आदि बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। हमारे गुरमीत सिंह बेदी जी को हमारे व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आनंद अग्रवाल जी ने और माननीय नरेश अग्रवाल जी की संतुति पर आपको प्रदेश सचिव बनाया है और साथ में रात को ही मेरी फोन पर वार्ता हुई, इनको मुरादाबाद जिले का और बरेली जिले का प्रभारी भी बनाया है। ये जिम्मेदारी इनको व्यापार सभा को दी गई है। क्या अपेक्षा करते हैं आप इनसे? गुरमीत सिंह बेदी जी हमारे मुख्य बाजार से मुख्य व्यापारी हैं और आप काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं व्यापारी समाज से। इन हमारी आशा है और पूर्ण उम्मीद है कि ये सिख समाज और पंजाबी समाज के साथ साथ व्यापारी समाज को जोड़ने का काम करेंगे पार्टी हित में। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने कहा कि गुरमीत सिंह बेदी को व्यापार सभा का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर बहुत बहुत खुशी जाहिर हो रही है और अब व्यापारी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ेगा। मैं बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा आनंद अग्रवाल जी ने आपको प्रदेश सचिव बनाया, बहुत अच्छा कार्य करा है और इससे समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती व्यापारियों में मजबूती से समाजवादी पार्टी का हमारे बेदी जी जोड़ने का काम करेंगे व्यापारियों को, मुझे ऐसी उम्मीद है।